हाँ हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा 9th क्लास का 18th लेक्चर है। इसमें आज हम पास्कल लॉ और उसके एप्लीकेशन का जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पास्कल लॉ से। देखिए, आप इसके जो पहले वाला लेक्चर था 17th लेक्चर, उसमें आपने पढ़ा है कि प्रेशर का जो फार्मूला है वो एच रो जी होता है, जहाँ पर एच जो है वो वाटर का जो ऊपर लेवल है उससे डेप्थ होगी। यहाँ पर तो हमने एक कंटेनर के अंदर दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया। मान लीजिए जो लिक्विड का सरफेस है आपका, उससे जो डेप्थ है वो ए की एच वन है और बी की एच टू है। तो नेचुरल है कि ए पॉइंट पर जो प्रेशर होगा उसको हमने पी ए लिखा है, वो एच वन रो जी होगा। ठीक इसी तरह से जो बी पॉइंट पर प्रेशर होगा वो एच टू रो जी होगा, क्योंकि यहाँ पर डेप्थ एच वन है, यहाँ पर डेप्थ एच टू है। ध्यान रहे कि डेंसिटी तो सेम है ही, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका हम ये डेप्थ का डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए इसको सेम लिया जाएगा, यानी कि ग्रेविटी में कोई वेरिएशन नहीं होगा। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें, पी बी माइनस पी ए, तो ये एच टू माइनस एच वन रो जी आएगा। हम एच टू माइनस एच वन को डेल्टा एच लिख सकते हैं। इसका मतलब किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो उनके बीच की डेप्थ पर डिपेंड करेगा, वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करेगा, जो कि हमने एच टू माइनस एच वन को डेल्टा एच लिया है। ठीक यहाँ पर ध्यान रहे, लिखा है हमने प्रेशर डिफरेंस इन स्टेशनरी लिक्विड डिपेंड्स ऑनली ऑन द वर्टिकल हाइट डेल्टा एच। डेल्टा एच पर ये जो है वो केवल डिपेंड करेगा, ग्रेविटी में कोई वेरिएशन नहीं होगा। ठीक तो इफ प्रेशर, अगर हम ए पॉइंट पर प्रेशर को हम इंक्रीज कर दें तो बी पॉइंट पर भी प्रेशर का इंक्रीमेंट होगा, यानी प्रेशर बी पर भी इंक्रीज होगा, जिससे कि प्रेशर डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, डेल्टा एच रो जी। ठीक अगर यहाँ वाटर का लिक्विड यहाँ और डाल दो या ऊपर से और प्रेशर लगा दो तो ए पर भी बढ़ेगा और बी पर भी बढ़ेगा, लेकिन डिफरेंस उसका हमेशा डेल्टा एच रो जी होगा। एक्चुअली ये मेन बेस है पास्कल लॉ का, यानी कि हम किसी भी पॉइंट पर कंटेनर के अंदर अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वो अनडिमिनिश्ड जो है वो फ्लो हो जाएगा उस कंटेनर के अंदर सभी पॉइंट पर। अगर आप नोट करना चाहें तो हम स्टेटमेंट बोल दे रहे हैं कि पास्कल लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर एग्जर्टेड एनीवेयर इन एन कन्फाइंड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस थ्रू आउट द लिक्विड। ठीक सभी डायरेक्शन में, पूरे लिक्विड में, ठीक वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसका एक जनरल एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं। ये कोई यहाँ पर कंटेनर ले लिया फ्लास्क टाइप का, इसमें अंदर कोई लिक्विड भर दिया, यहाँ पर ये पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन लिखा हुआ है, और इसमें हमने दो होल करके, या मोर देन टू भी दिखा सकते हैं, एक होल यहाँ पर किया, एक होल यहाँ पर किया, और इससे एक पाइप अटैच कर दिया। ध्यान से देखें, ये हमने जो बनाया है यहाँ पर, ये लेवल, ये इनिशियल लेवल ऑफ वाटर है। वाटर चूंकि यहाँ पर ये खुला है तो इसमें भी फिलअप होगा और इस पाइप में भी फिलअप होगा। ये इनिशियल लेवल वाटर का है, पिस्टन को नीचे दबा दिया। दबाने से क्या होगा कि यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट होगा जो कि पूरे कंटेनर में अनडिमिनिश्ड फ्लो हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इससे क्या होगा कि वाटर का लेवल इसमें बढ़ेगा ऊपर को, और यहाँ पर एक होल बना रखा है, ठीक जेट बना रखा है, तो जेट का जो यहाँ पर निकलेगा वाटर का, ठीक उससे फाइन होल बनाकर जो जेट वाटर का आएगा वो अपनी सेम हाइट को गेन करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही पॉइंट पर प्रेशर सेम आया है। तो जेट ऑफ प्रेशर रीचिंग एट द सेम हाइट लिखा है यहाँ पर, ये लेवल रेड कलर से बना रखा है। इसका मतलब है कि पिस्टन को प्रेस करने पर जो प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट हुआ है वही प्रेशर इस पाइप में और इस पाइप में एक्सर्ट होगा, जिससे कि जेट की जो हाइट होगी वो सेम आती है। ठीक तो आप समझ गए होंगे कि पास्कल लॉ जो है वो प्रेशर से रिलेटेड है। अगर किसी कंटेनर में आप प्रेशर को आप इंक्रीज करते हैं तो वो अनडिमिनिश्ड उसका फ्लो हो जाता है। पास्कल लॉ का प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे उसमें यूज है। तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन को देखते हैं। देखिए हाइड्रोलिक मशीन जो है, इसमें यहाँ पर दो पिस्टन लगे हुए हैं। पहली बात, ये कंटेनर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। एक ये बड़ा कंटेनर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A1 लिया है, इसका A2 लिया है, और दोनों में पिस्टन लगा दिया है। यहाँ पर पिस्टन जो है वो X लिख दिया है, यहाँ का पिस्टन को Y लिख दिया है। ठीक
यहाँ पर वेट लगा दिया है, यहाँ अगर हम वेट लगाते हैं तो ये पिस्टन नीचे को दबेगा, कंप्रेस होगा, जिससे यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट होगा, उसको P1 माना है। ये प्रेशर अनडिमिनिश्ड, ये आपस में यहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पर आ जाएगा, जिससे कि ऊपर की तरफ को प्रेशर P2 लगेगा। यहाँ पर फोर्स F2 लिया है वेट की वजह से, या जो आप फोर्स लगाएंगे उसकी वजह से यहाँ पर जो फोर्स क्रिएट हो रहा है F1 वो डाउनवर्ड है। ठीक, अब पिस्टन एक्स के लिए देखें, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, फोर्स अप्लाइड F1 है, वेट लगाकर या आप एक्सटर्नल लगाएं तो कितना प्रेशर यहां पर लगेगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड। प्रेशर अप्लाइड ऑन द पिस्टन है F1/A1, प्रेशर का फार्मूला फोर्स अपान एरिया है, जिसको कि हमने P1 लिया है, P1 का ये डायरेक्शन दिखाया है। ठीक, ये प्रेशर ट्रांसमिटेड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ पूरे कंटेनर के अंदर, और यहाँ पर भी ट्रांसमिटेड होगा, दिस प्रेशर ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू द पिस्टन वाई, यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर प्रेशर हमने P2 माना है, तो P1 और P2 दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि प्रेशर में कोई भी डिक्रीमेंट या कम नहीं होगा प्रेशर। ठीक, तो प्रेशर को हमने P2 माना है, तो बाई पास्कल लॉ P1 = P2 होगा। इसको तैयार भी रखना है एग्जामिनेशन के लिए, यहाँ पर कितना फोर्स होगा, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक, अब प्रेशर P2 कितना होगा, F2/A2, A2 यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया है पिस्टन वाई का। ठीक, अब यहाँ पर आप P2 की वैल्यू पुटअप कर दें इस जगह पर, तो P2 है F2/A2। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये बन गया, यहाँ पर हमने वैल्यू पुटअप कर दी, F1/A1 = F2/A2। अगर P2 आपने ये निकाला है यहाँ पर, और अगर आप F2 जो है, हमने ये F2 निकाला है, F2 से P2 निकाल दिया है, ठीक है ना, ये F2/A2 हो गया, और यहाँ से P1 = P2 था, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो ये फार्मूला आपका तैयार हो गया, F1/A1 = F2/A2, यहाँ पर प्रेशर F1/A1 होगा, यहाँ प्रेशर F2/A2 होगा। ठीक, अब इसी को हम लिख सकते हैं F2/F1 = A2/A1। यहाँ पर ध्यान से अब इसको देखें, अगर A2 > A1 है, यहाँ पर भी देखिए ये पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, तो A2 यहाँ पर > A1 है, जब यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो यहाँ पर भी > होगा, इसका मतलब F2 > F1 होगा, यहाँ पर इसका मतलब ज़्यादा फोर्स क्रिएट होगा, यानी स्मॉलर पिस्टन में अगर आप थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो लार्जर पिस्टन में हैवी फोर्स क्रिएट होगा। ठीक है, तो यही हाइड्रोलिक का मेन प्रिंसिपल है मशीन का, हेंस स्मॉल फोर्स अप्लाइड ऑन स्मॉलर पिस्टन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस ए लार्ज फोर्स ऑन लार्जर पिस्टन, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन विच एक्ट्स ऑन ए फोर्स मल्टीप्लायर, ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है, यानी फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। तो ये जो हाइड्रोलिक मशीन का प्रिंसिपल है, ये बहुत जगह यूज होता है, इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, इससे हाइड्रोलिक प्रेस और आपके स्कूटर और जो व्हीकल होते हैं उनके ब्रेक के लिए भी इसमें इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो हम देखते हैं अब इसके आगे हाइड्रोलिक प्रेस का प्रिंसिपल। हाँ, जो ये आपकी हाइड्रोलिक मशीन का आपने प्रिंसिपल देखा है, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग टू फार्मूला बनाया, तो इसका जो मेन यूज है एक तो हाइड्रोलिक प्रेस में है, इनके जो भी यूज हैं उनका प्रिंसिपल और सब एक ही है कि एक तरफ हम फोर्स लगाते हैं, जिस पिस्टन पर हम फोर्स लगाते हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, और दूसरी तरफ हमें जिसको प्रेस करना है उसकी तरफ क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है, जिससे कि वहाँ पर फोर्स जो है वो ज़्यादा क्रिएट होता है। ठीक है, इससे हम जो है वो जो हाइड्रोलिक प्रेस है इसका जो यूज़ है वो कॉटन यानी क्लॉथ को प्रेस करने में, या शुगर केन वगैरह का जूस निकालने में, ऑयल निकालने में, इनमें सब में हम यूज करते हैं। इसके अलावा एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में भी इसका यूज है, हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होती है वो आपने कार वगैरह को जब आप वॉशिंग के लिए ले जाते हैं तो उसमें भी कार को जब ऊपर उठाते हैं तो वहाँ पर भी जो है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज करते हैं, हाइड्रोलिक जैक या हाइड्रोलिक लिफ्ट, उसमें एक तरफ हम कम फोर्स लगाकर हैवी फोर्स जो है वो क्रिएट करते हैं, जिससे कि हैवी लोड को कार जो है उसको हम ऊपर उठा सकें। ठीक, तो दूसरा यूज जो है वो हाइड्रोलिक जैक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, और एक और यूज होता है हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक जो ब्रेक है वो स्कूटर में और इनमें सब में लगाते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक के लिए कार में भी, इसमें जो है वो आपको जब
पैर से या हाथ से जब आप उसको ब्रेक लगाते हैं, स्पेशली फोर व्हीलर में, कार में जब हम लगाते हैं, स्कूटर अब उस टाइप के नहीं आ रहे हैं, कार में जो है जब हम पैर से उसको प्रेस करते हैं, तो वहाँ पर जब पैर से प्रेस करते हैं वहाँ पर जो पिस्टन लगा हुआ है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, और व्हील पर जाकर वहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है, जिससे वहाँ पर हैवी फोर्स क्रिएट होता है। ठीक, इनमें सब में एक ही यूज है और एक ही फार्मूला लगेगा, वो आपका F1/A1=F2/A2। अब हम जरा इसके पहले दो न्यूमेरिकल को चेक करते हैं, उनमें भी फार्मूला एक ही लगता है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रेस प्लंजर ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज 4 m². क्वेश्चन को पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि फोर्स कैसे, F1 कौन सा है, A1 कौन सा है। तो 4 m² एरिया दिया है, इट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम ए रेजिस्टिव लोड, ये लोड दिया हुआ है, इसको उठाने के काम आएगा, 400 kgf ऑन इट। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड ऑन द पंप प्लंजर, यहाँ फोर्स चाहिए आपको। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पंप प्लंजर इज 0.01 m², तो F1 फोर्स ले लीजिए आप रिक्वायर्ड है पंप प्लंजर में, और एरिया जो है उसका A1 ले लीजिए। तो एरिया यहाँ पर लिखा हुआ है पंप प्लंजर का एरिया 0.01 m² है, तो A1 ये हो गया, F1 हमने फोर्स ले लिया। F2 जो है लोड को उठाना है, वो 400 kgf है और उसका एरिया आपको यहाँ गिवन है 4 m². ठीक, तो फार्मूला लगा दें F1/A1=F2/A2। F1 कैलकुलेट करना है, देखिए यहाँ पर kgf में दिया हुआ है, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, आंसर को kgf में ही लिख लेंगे। तो F1 निकालना है, A1 आपका 0.01 है मीटर स्क्वायर में, 4 भी मीटर स्क्वायर में है, और 400 आपका जो है वो kgf में है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर ये 100 आएगा, 100 को इसमें मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर F1 आपका 1 kgf आ जाएगा। ठीक, न्यूटन में अगर आंसर कभी दिया हो ऑब्जेक्टिव में, तो फिर 9.8 आपको मालूम है, उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह से ये दिया हुआ है, 2 cylindrical vessel है फिटेड विद पिस्टन A and B, ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 8 cm² और 320 cm², ये रिस्पेक्टिवली है, यानी A का एरिया 8 cm² और B का एरिया 320 cm² है। आर ज्वाइंट एट देयर बॉटम बाई ट्यूब, जैसा कि आपने अभी लिफ्ट में उसमें डायग्राम देखा था कि उन्हें बॉटम से पाइप से ज्वाइंट कर देते हैं। दे आर फिल्ड विद वाटर व्हेन ए मास ऑफ 4 kg इज प्लेस्ड ऑन पिस्टन A। तो इतने कैलकुलेशन करने हैं, एक तो प्रेशर निकालना है पिस्टन A पर, तो A का एरिया आपको दिया हुआ है 8 cm², मास 4 kg लगा रहे हैं A पर, तो उसी 4 kg को हम फोर्स अगर में लिखना है तो 4 kgf लिख सकते हैं, न्यूटन में भी लिख सकते हैं 9.8 मल्टीप्लाई करके। तो 4 kgf ले लिया, एरिया 8 cm², ये 1/2 यानी कि 0.5 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ध्यान रखना, जैसे ये पेन है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इसमें कट करें क्रॉस सेक्शन, ये एरिया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ठीक, जैसे ये रॉड है, इसका ऐसे कट करें तो ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब प्रेशर निकालना है पिस्टन बी पर, तो आपको मालूम पास्कल लॉ से कि जो प्रेशर है वो अनडिमिनिश्ड जो है वो ट्रांसमिट होता है, तो प्रेशर जो बी पर है वही प्रेशर जो ए पर है उतना ही होगा। इसका मतलब प्रेशर P2 जो है वो 0.5 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फिर थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट पूछा है ऑन पिस्टन B, थ्रस्ट मतलब फोर्स, फोर्स तो F1/A1=F2/A2 लगा दें। F1 आपका 4 kgf है, एरिया A1 जो है वो सेंटीमीटर में है 8 cm², F2 कैलकुलेट करना है, यहाँ पर भी एरिया 320 cm² है, तो इसको 2 से काटें, 2 से फिर इसको कट करें तो 160 kgf आएगा। आंसर हमारा kgf में रहेगा, क्योंकि हमारा जो ये फोर है वो भी kgf में है। एक पॉइंट यहाँ पर और ध्यान देना, आप इसमें जो पास्कल लॉ में जहाँ पर फोर्स लगाते हैं वो इफर्ट है, और जिसको आप उठा रहे हैं या जहाँ पर आप फोर्स ज़्यादा क्रिएट हो रहा है वो वहाँ पर लोड है। ठीक, तो आपने देखा होगा कि जो लोड है
वहां पर फोर्स जो है वो ज्यादा क्रिएट होता है, एफर्ट आप कम लगाते हैं। तो जो लोड अपॉन एफर्ट होता है उसको हम मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज यहां पर लोड अपॉन एफर्ट ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि लोड एफर्ट से ज्यादा होगा। दूसरी बात यह कि यहां कोई लॉस नहीं होगा एनर्जी का, इसलिए जो वर्क डन आप करते हैं एफर्ट से उतना ही वर्क डन जो है वो लोड से होगा। प्रैक्टिकली जो वर्क डन का फार्मूला होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एफर्ट आप जब कम लगाते हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर जो डिस्टेंस मूव करेगा पिस्टन वो ज्यादा करेगा, ठीक। और लोड जो है वो हैवी होता है तो वहां पर डिस्टेंस कम मूव करेगा। इसलिए यहां पर एक तो वर्क डन ध्यान रखें कि वर्क डन बाई एफर्ट इज इक्वल टू वर्क डन बाई लोड। दूसरा वेलोसिटी रेशियो कहते हैं इसको, डिस्टेंस मूव्ड बाई एफर्ट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड, इसको बोलते हैं हम वेलोसिटी रेशियो। यहां पर लर्न कर लेना। तो डिस्टेंस मूव्ड जो एफर्ट में आप कर रहे हैं, एफर्ट कम है डिस्टेंस ज्यादा मूव करेगा, ठीक। और जो लोड में डिस्टेंस मूव करेगा वो कम होगी, इसलिए जिसका जो रेशियो होगा वो भी ग्रेटर देन 1 होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट लर्न रखें, वेलोसिटी रेशियो लर्न रखें कि डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, ठीक। तो ओके स्टूडेंट, बाकी आप लोग जो हैं वो हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह का जो है और जो हाइड्रोलिक ब्रेक है उसका डायग्राम आप बुक से देख लें। सभी में एक ही प्रिंसिपल है जो कि पास्कल लॉ का प्रिंसिपल यूज होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।